दोस्तों मोटरसाइकिल चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरर का हो, स्पार्क प्लग को साफ करना एंड जरूरत पड़ने पे रिप्लेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंजन ऑयल चेंजिंग के टाइम स्पार्क प्लग को क्लीन करना हमेशा रिकमेंडेड होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में सर्विस सेंटर वाले इसे स्किप कर जाते हैं। इसके पीछे एक रीजन भी है। जनरली 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक क्लीन ना करके भी मोटरसाइकिल में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत लंबा गैप तक अगर आपने स्पार्क प्लग को क्लीन नहीं किया देन सेल्फ स्टार्ट बटन को प्रेस करते ही आप थोड़ा सा डिले फील कर पाओगे, या फिर कांस्टेंट स्पीड पे अगर आप चला रहे हो आप फील करोगे इंजन कुछ स्ट्रोक मिस कर रहा है। ये बेसिक सिम्टम्स होता है स्पार्क प्लग में कार्बन जम जाने का। दोस्तों वीडियो होने वाला है इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो ऐसे ही बजट फ्रेंडली मेंटेनेंस वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर एंड तक देखिए एंड कुछ मनी सेव करके अपने बिलावेट दोस्तों को दीजिए एक अच्छा सा ट्रिक या फिर मदर नेचर को कीजिए एक्सप्लोर। दोस्तों आप तो जानते ही हो स्पार्क प्लग में स्पार्किंग होता है और स्पार्क प्लग का फंक्शनिंग टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस। अब इतनी टेम्परेचर में पेट्रोल होता है बर्न। अब बर्न होना मतलब कार्बन पार्टिकल निकलना। मैक्सिमम कार्बन पार्टिकल्स गैस के साथ बाहर तो निकल जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में कार्बन पार्टिकल्स स्पार्क प्लग में जमा होते रहता है। ज्यादा कार्बन जमना मतलब एफिशिएंसी कम हो जाना, इसीलिए स्पार्क प्लग को क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस पार्ट हो जाता है। दोस्तों मेरे पास है यामाहा FZS वर्जन 2। आप देख सकते हो स्पार्क प्लग को रिप्लेस करने का इंटरवल होता है 12,000 किलोमीटर और स्पार्क प्लग को खोलने का टूल जनरली सारे कंपनी के मोटरसाइकिल में या फिर स्कूटी में टूल किट के साथ ही आता है। जनरली 16 नंबर का होता है, लेकिन ये टूल अगर आपके पास ना हो देन आप रेंच या फिर स्पैनर का भी यूज कर सकते हो। वैसे आपके पास टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, स्पैनर और रेंच का किट आपके पास होना ही चाहिए। लोकल मार्केट से अगर आप बाई करना चाहते हो देन तापाड़िया, टाटा या फिर स्टैनली कंपनी का आप बाई कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन बाई करना है देन इसका लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो स्पार्क प्लग को हमें निकाल लेना है एंड स्पार्क प्लग हेड में आप देख सकते हो कार्बन क्लियरली विजिबल है। आप चाहे तो कोई भी क्लीनर का यूज कर सकते हो, लेकिन पेट्रोल से स्पार्क प्लग क्लीन करना बहुत ही यूजफुल होता है, तो हम थोड़ा सा पेट्रोल निकाल लेते हैं। एंड इसके लिए ओनली 10 से 20 ml पेट्रोल एनफ होता है। अभी थोड़ा सा डीप क्लीन करने के लिए कोई भी रिटायर्ड टूथब्रश से हमें इसे करना है साफ। एंड देन डीप करना है पेट्रोल के अंदर। अभी हमें हेल्प लेना है सैंड पेपर का, जो किसी भी हार्डवेयर स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। सैंड पेपर से क्लीन करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्पार्क प्लग टर्मिनल का बोथ साइड हमें क्लीन करना है और धीरे धीरे स्क्रैच करना है ताकि स्पार्क प्लग का जो गैप है वो सेम रहे। आप देख सकते हो क्लीनिंग के बाद इसका लुक। एंड इसे क्लॉकवाइज रोटेट करने से एंड थोड़ा सा हल्का सा टाइट करने से ये अपने जगह पे हो जाता है इंस्टॉल। अभी कनेक्टर को थोड़ा सा हीट करते ही इसके अंदर का डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाएगा एंड ये भी अंदर से हो जाएगा साफ। कनेक्टर को लगाने के बाद व्हीकल स्टार्ट करके आप नोटिसेबल चेंजेस देख सकते हो।
सेल्फ स्टार्ट बटन प्रेस करते ही कोई भी डिले हमें देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों स्पार्क प्लग क्लीनिंग का प्रोसेस होता है कंप्लीट, और ऐसे ही बजट फ्रेंडली मेंटेनेंस वीडियो देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने बिलावेड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूट्यूबियन डेज।